नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी सरकार में डीएपी के लिए किसान भटक रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब रबी फसलों की बुवाई के सीजन में किसानों को प्राइवेट दुकानदारों के यहां से महंगे दामों पर डीएपी खरीदनी पड़ रही है। कहने के लिए तो यूपी के सीतापुर में 204 साधन सहकारी समितियां संचालित हैं, लेकिन इन समितियों में से किसी भी समिति पर डीएपी की एक भी बोरी उपलब्ध नहीं है। किसान समितियों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुके हैं। मजबूरी में उन्हें बाजार से महंगी खाद खरीदनी पड़ रही है। वैसे तो डीएपी का रेट 1300 से 1350 रुपए प्रति बोरी निर्धारित है, लेकिन किसानों को यही डीएपी 1800 रुपए प्रति बोरी तक बेची जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि सीतापुर के बाजार में बड़े पैमाने पर मिलावटी और नकली डीएपी खाद का कारोबार हो रहा है। पिछले दिनों सदना थाने इलाके में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ होना इसका जीता जागता उदाहरण है। डीएपी की कालाबाजारी कर दुकानदार मालामाल हो रहे हैं और किसान परेशान हो रहे हैं। यह आलम तब है जब अधिकतर समितियों का संचालन भाजपा के बड़े छोटे पदाधिकारियों के हाथों में है। अधिकतर समितियों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं का ही कब्जा है, फिर भी वह अपनी ही सरकार में किसान को एक बोरी डीएपी तक देने में असहाय बने हुए हैं। अब हम आपको किसान हितैषी सरकार होने का दावा करने वाली बीजेपी सरकार में किसान किस कदर परेशान हैं, इसकी हकीकत से रूबरू कराती आई इंडिया के संवाददाताओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं ब्लॉक मछेटा क्षेत्र में। आज हम मौजूद हैं मछरेटा समिति, जो किसान सहकारी समिति है मछरेटा की, वहां पर मौजूद हैं। आज हम आपको इस क्षेत्र में जो डीएपी से किल्लत हो रही है उसके बारे में आज आपको रूबरू कराएंगे। हम इसमें मौजूद हैं जो मछरेटा समिति पर, जो सहकारी समिति है वहां पर, यहां पर धान की खरीद जो इस समय चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना तो डीएपी है और ना ही यूरिया है। यहाँ पर किसानों का सिर्फ धान क्रय केंद्र है, जहाँ की लोकी सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर धान खरीद चल रही है। हमारे साथ जो यहाँ पर हैं, यहाँ के जो चौकीदार हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कब से यहाँ पर डीएपी नहीं है और क्या चौकीदार, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, यहाँ आपके समिति पर कब से डीएपी नहीं है? करीब दो महीने हो चुके हैं। दो महीने डीएपी नहीं है, तो इससे पहले डीएपी थी तो बराबर किसानों को दी जा रही थी? हाँ बिल्कुल दी जा रही थी। क्या रेट से डीएपी दी जा रही थी यहाँ पर किसानों को? 1350 जो सरकारी रेट है जी। प्राइवेट दुकानदार क्या बेच रहे हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी है आपको? हाँ, प्राइवेट दुकानदार जो बेचते हैं जी, वो लगभग 1500 रुपए के दे रहे हैं। तो यहाँ पर बाबूजी आपके नहीं है, जो सचिव बैठते हैं वो नहीं, क्या सचिव रोज रेगुलर आते हैं यहाँ पर? जी रोज आते हैं जी, वो बैंक गए हैं। अच्छा अच्छा, विभागी का बताइए कि यहाँ पर कितना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों का जो क्षेत्र है कितना बड़ा क्षेत्र है और कितने लोगों को इस समय डीएपी नहीं मिली, से क्या क्या दिक्कतें हो रही? किसान को बुवाई चल रही है, बहुत बड़ी दिक्कत है। कितना क्षेत्र होगा यहाँ लमसम? यहाँ मेरे पास तो दो नए पंचायत हैं। अच्छा, कौन कौन सी? बरामा और मछरेटा। दो नए पंचायत के अंदर कितने वो होंगे ग्राम गाँव? 14 ग्राम। अच्छा अच्छा, 14 ग्राम। चलिए ठीक है, जैसा किदार थे हमने उनसे आपको बात कराया, जो कि उन्होंने बता रहे हैं कि यहाँ पर दो न्याय पंचायत हैं और दो न्याय पंचायतों में जो समिति मछरेटा की है वहाँ पर लोगों को डीएपी खाद यूरिया यहीं से उपलब्ध कराई जाएगी। हम अब किसानों से भी बात कराएंगे, अभी क्या क्या दिक्कतें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार तिवारी है। कहाँ रहते हैं आप? बनियामो, ग्राम पोस्ट बनियामो, मछरेटा क्षेत्र बनियामो जी। इस समय डीएपी नहीं मिल रही है तो खेतों की बुआई कैसे कर रहे हैं? प्राइवेट लेना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें बहुत आ रही हैं, लेकिन खेती अभी पर ही चल रही है, लाल चक्कर लगाना पड़ता है दिन। तो आज आप समिति पर क्या लेकर के आए थे मनसा की, कैसे आए? डीएपी के चक्कर में आए थे, उधर धान भी बेचना है इसीलिए आए थे। अच्छा, दोनों कार्यों के लिए। तो क्या आपने प्राइवेट दुकानों पर डीएपी खरीदी है? अभी तो नहीं खरीदी, फिलहाल इसी के इंतजार में है कि आ जाए कि या कल आ जाए। तो प्राइवेट दुकानदारों का क्या कुछ भाव वगैरह है डीएपी का, इसके बारे में कुछ जानकारी? 1600-1650 लगभग, 18 जैसा जो भी ले पाए। सरकारी रेट तो 1350 बताया जा रहा है, ऐसे में तो ये लोग बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। जी हाँ जी, ये तो ही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार जी। कहाँ रहते हैं आप? अहमदनगर।
जी क्या समस्याएं हैं आपकी समिति से? समस्या यह है कि गेहूं बोने के टाइम हो गया है, डीएपी भी आई नहीं है, इसके बावजूद वहां किसान के वहां जाओ वहां दुकान पे जी प्राइवेट तो प्राइवेट पे तो वहां महंगी मिल रही है, 1500 अच्छी भी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद वहां जाओ तो महंगी भी दे रहे हैं। तो डीएपी नहीं मिल रही, ऐसे में आप लोग अपने खेतों की बुआई कैसे करेंगे? बुआई का करेंगे, जब नहीं आएगी तो ऐसे ही बुआई करेंगे। समिति पर कभी जानकारी ली कि यहाँ पर क्या कब तक डीएपी आने की संभावना, कुछ ऐसा बताया गया? अरे वहाँ बताया गया कि अभी आ नहीं रही है इस समय में, इसीलिए। तो खेतों की बुआई कब तक करा रहे हैं आप लोग? अब तो बुआई मेरी चालू हो गई है समझ लो, 10 दिन में हो जाएगी बुआई वही। किसानों का कहना है कि हमें जो डीएपी नहीं मिल रही है, ऐसे में हमारी जो खेती किसानी लेट हो रही है और बुआई में काफ़ी समय लग रहा है, प्राइवेट दुकानदार लगातार लूट रहे हैं, 1350 रुपये सरकारी रेट होने के बावजूद भी प्राइवेट दुकानदार जो कि 1600 1500 1650 जैसा जो कुछ जिसको फांस पाते हैं उन दामों में बिक्री कर रहे हैं, किसानों की जेब पे डाका डाल रहे हैं, प्राइवेट जो खाद संचालक हैं वो लगातार उनका मकर जाल बढ़ता जा रहा है। मछरेटा क्षेत्र में लमसम हजारों की संख्या में प्राइवेट दुकानदार हो गए हैं और जो अच्छी क्वालिटी की डीएपी या बीज भी नहीं दे रहे हैं। आई इंडिया से अरुण कुमार, एजेंसी मछरेटा। आइए अब आपको ले चलते हैं तहसील बिसवां क्षेत्र में। तहसील बिसवां क्षेत्र में किसानों का कहना है कि सरकारी खाद एजेंसियों ने अपने गोदाम पर खाद का स्टॉक नहीं होने का बोर्ड लगा रखा है। किसानों का आरोप है कि जिम्मेदार सब कुछ जानकर मौन साधे हुए हैं व इसके लिए सिस्टम को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बिसवां इलाके में डीएपी ही नहीं एनपीके भी उपलब्ध नहीं है। अगर कोई उर्वरक उपलब्ध है तो उसमें यूरिया और एनपीएस उपलब्ध है। बल्कि आई इंडिया के बिसवां देहात संवाददाता अतुल त्रिवेदी ने क्षेत्र के किसान बचान अशोक मनोज राम सिंह आदि से बात की। डीएपी न मिलने की बात कहते हुए किसानों ने क्या कुछ कहा उसे भी सुनिए। मदद आपको राम सिंह, डीपी लेने आए थे? हाँ, डीपी। डीपी मिली नहीं? मिली नहीं, मिली डीपी तब है तो एनपीके ले रहे। एनपीके ले कि कितने की मिली? 1200 रुपये। 1200 रुपये डीपी के लिए आपसे क्या बताया गया? डीपी है नहीं और बात नहीं। तो प्राइवेट दुकान वगैरह आप मालूम कह रहे हैं डीपी है नहीं, प्राइवेट दुकान में मिलती है? नहीं प्राइवेट में नहीं मिलती, प्राइवेट मिलती है तो कहा ले लीजिए। क्या लेने आए थे आप? डीपी ले आए हम, एनपीके मिली अभी। डीपी ना मिली, क्या बताया आपसे? वही एनपीके बताइए, एनपीके लिए कह रहा है। डीपी नहीं है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आए आप? मणिकापुर से। मणिकापुर से लेने यहाँ आए थे? कौन सी खाद? डीपी मिली नहीं? क्या बताया आपसे? बताई नहीं, आई हूँ अभी। है नहीं? कौन सी फसल बोनी है आपको? गन्ना है, गेहूँ है, लाही है। अब नहीं मिलेगी तो कैसे बुआई करेंगे? क्या बताऊँ, कौन सी खाद डालेंगे? क्या नाम है आपका? बचान। दादा क्या लेने आए थे आप? डीपी। डीपी मिली आपको? नहीं। क्या बात की, क्या बताया? हम अभी वहाँ गए, बेना करना है। नहीं मिली, मतलब नहीं है। डीपी यहाँ है या नहीं है? डीपी है या नहीं बताओ। अच्छा है नहीं। कौन सी फसल बोनी है? गेहूँ। बिसवा में इफ्को प्रभारी पवन कुमार श्रीवास्तव ने आई इंडिया को बताया कि यूरिया की 5130 और एनपीएस की 2432 बोरियां उपलब्ध हैं। डीएपी और एनपीके उर्वरक फिलहाल केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है। आई इंडिया अब आपको ले चल रहा है ब्लॉक पिसावा क्षेत्र में। पिसावा इलाके में भी किसान डीएपी उर्वरक पाने के लिए भटक रहे हैं। इस क्षेत्र में अधिकतर समितियों पर ताला लटक रहा है। किसानों का कहना है कि इलाके में पिछले 2 माह से किसी भी सहकारी समिति पर डीएपी उपलब्ध नहीं है। मौजूदा समय रबी फसलों की बुआई का मुफीद समय है, लेकिन डीएपी न मिल पाने से किसानों को बुआई पिछड़ रही है। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर खाद बेचकर किसानों का गला काटने का काम कर रहे हैं। आई इंडिया के पिसावा संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता ने क्षेत्र के किसान रामरतन सिंह, गया प्रसाद, राहुल तिवारी, भगवान दीन और अवधेश कुमार से बातचीत की तो किसानों ने डीएपी न मिलने का दुखड़ा कुछ इस तरह रोया।
यहाँ पर आपको खाद मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिल रही। कब से नहीं मिली? ये करीब 6 महीने नहीं मिली है खाद, होते नहीं। क्यों नहीं आती है? पता नहीं साहब कहाँ है। आपको जरूरत है खाद की, कहाँ से खरीदते हैं फिर? अब दुकान पर जैसे मोहल्ली है, पिसावा है, हरिदपुर चौराहे पे है। ये आपकी बुआई के लिए DAP खाद की क्या इस समय पोजीशन है? हमारी समिति पे तो 10 वर्षों से नहीं आई है, दुकानों से लेते हैं, पैसा भी अधिक पड़ता है, क्वालिटी भी सही नहीं मिलती है। कौन सी समिति है आपकी? साधन संस्था सहकारी समिति निवदिया। निवदिया, तो फिर बुआई कैसे करते हैं? अब दुकानों के भरोसे हैं। ये इस समय क्या आप लोगों को क्या समितियों पर खाद मिलती है? नहीं, खाद नहीं मिल रही इस समय। तो फिर खेती की बुआई वो प्राइवेट दुकानों से ली जाती है। प्राइवेट दुकान होते हैं ये। यहाँ पर आपकी जो समिति है जी, कितने दिनों से लगभग खाद नहीं आई होगी? बहुत दिनों से नहीं आती, हम लोगों को कभी लेने नहीं गए, कभी मिलती भी नहीं। तो कहाँ से खरीदते हैं फिर? ये प्राइवेट दुकानों से लेते हैं सर। हमें इस फरीदपुर सोसाइटी के द्वारा हमें कोई खाद उपलब्ध नहीं होती है, कम से कम 1.5 साल हो गया है। DAP यूरिया जो भी आता है वो कोई बड़े न बड़े काश्तकार को मिल करके किसी न किसी हिसाब से वो हमें नहीं मिल पाता है। हमें जब आवश्यकता पड़ती है तो हम कहीं प्राइवेट खोजते हैं। जब हमें प्राइवेट खोजने पर भी जो 300 रुपये की चीज़ है वो हमें 450 रुपये में मिलती है, तभी हम प्राप्त कर पाते। ये इस साधन सहकारी समिति पे क्या यूरिया मिलती है, DAP मिलती है? काफ़ी दिनों से ले भाई, गन्ने की बुआई वैसे भी मेरी आई थी, वो उसके तब से आई ही नहीं है। इस समय बुआई चल रही है? हाँ, तो खाद नहीं मिल पा रही है। कहाँ से खरीदते हैं आप लोग? यही प्राइवेट स्टोरों से खरीदते हैं। कितने की मिलती है? वहाँ बाबू जी क्या 10 जो कुछ मतलब थोड़ा बहुत महंगे पड़ते फिलहाल है। अब यहाँ मतलब सरकारी सोसाइटी तो मिलते हैं, मजबूरी है प्राइवेट मतलब। क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि मतलब खाद आए हो तो हमारे लोग मतलब आसान थोड़ा मदद हो जाए, और क्या है। समितियों पर DAP खाद न होने के बाबत AR कोऑपरेटिव नवीन शुक्ला ने आइंडिया को फोन पर बताया कि समितियों पर इफको की DAP नहीं उपलब्ध है। नैनो की करीब 10,000 बोतल और NPK खाद उपलब्ध है। किसान इनमें से किसी का चयन करके रवि फसलों की बुआई कर सकते हैं। यह उर्वरक भी DAP की तरह ही काम करते हैं। किसान अगर चाहे तो उनके खेत में नैनो DAP के छिड़काव का प्रदर्शन भी कराया जा सकता है। उन्होंने नैनो DAP की एक बोतल 625 रुपए में मिल रही है इसकी जानकारी दी, और एक बोतल से एक एकड़ में नैनो DAP का छिड़काव किया जा सकता है। नवीन शुक्ला के मुताबिक सीतापुर में संचालित 204 समितियों में से 145 समितियां पूरी तरह सक्रिय हैं। सीतापुर में DAP उपलब्ध न होने को लेकर जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने आई इंडिया को बताया कि जिले में 4000 MT DAP निजी विक्रेताओं के यहां उपलब्ध हैं, लेकिन सहकारिता में DAP का अभाव है। इसके अलावा 10,000 MT NPK उपलब्ध है। किसान DAP के जगह NPK का प्रयोग कर सकते हैं। NPK DAP की तुलना में बेहतर है। उन्होंने बताया सहकारिता में DAP के लिए जिला अधिकारी ने पत्राचार कर डिमांड की है। उम्मीद है 10 नवंबर तक सहकारिता के लिए DAP की रैक सीतापुर पहुंच जाएगी। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी नजर हमारी। खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।